हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वॉल डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके लिए हमारे पास है रोलर, आप देख सकते हो। और ये जो रोलर है इसको हमने ऑनलाइन ख़रीदा था और ये रोलर दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। इसको हम अभी यूज़ करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इस पर किस तरह का पैटर्न यहाँ पे निकल के आता है। और इसको हमने अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर दोस्तों आपको भी ये रोलर मंगाना है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो रोलर का, हमारे पास दो रोलर है, इसका पैटर्न आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग डिज़ाइन पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले फिट कर लेते हैं। ये हमारे पास है दो रोलर, जो कि दोस्तों ये इसका काम है कलर को घुमाना होता है। और हमारा जो डिज़ाइन रोलर है उसके ऊपर ये जो हल्का हल्का कलर है उसको चढ़ाना होता है। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं दोनों राउंडिंग रोलर को। तो ये है हमारे पास रोलर, ये फ्लावर डिज़ाइन में है और इसको चलिए हम फिट कर लेते हैं। और इसके नट को दोस्तों अच्छे से हम सेट करके इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सेटिंग कर रखा है और इसको हम यहाँ से इसे टाइट कर देते हैं। इसके बाद ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम इस पर कलर डाल लेते हैं। हमें जो भी कलर यहाँ पे डिज़ाइन निकालना हुआ होता है, आप कोई सा भी कलर आप दे सकते हो। ये ध्यान रखना कि आपका जो कलर है वो ज़्यादा मोटा ना हो। अगर आप मोटा इस पर कलर देंगे तो आपका जो रोलर है वो ठीक से नहीं चलेगा, चिपकने लगेगा। तो आपका जो कलर है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो वॉल डिज़ाइन करने वाले हैं, हमारा जो वॉल है वो यही वाला है और इसी पर हम वॉल डिज़ाइन करने वाले हैं। इस पर हमने दो कोट लग्जरी इमल्शन का वाइट पेंट लगाया हुआ है और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा जो वॉल है। तो चलिए इस पर हम जो है दोस्तों अपना जो डिज़ाइन है उसको चलाते हैं और देखते हैं कि इस पर किस तरह से पैटर्न निकल के आता है। तो हमने नीचे से ऊपर की ओर अपने जो रोलर है उसको चला रहे हैं और आप देख सकते हो हमारा जो फ्लावर वाला डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों, आप चाहो तो ऊपर से नीचे की ओर भी चला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रोलर है वो ठीक से सेटिंग नहीं हुआ है। इस रोलर को दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन निकल के आएगा। ये हम सैंपल देख रहे हैं इस रोलर का और बहुत ही बढ़िया है। तो आप देख सकते हो इसको दोस्तों हम अभी चला रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर और इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आ रहा है। आप इसमें दो कलर, तीन कलर, कोई सा भी कलर आप दे सकते हो टॉप कोर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर जो मेरे पास था उसी से मैं अपना जो डिज़ाइन है उसको तैयार कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इसमें जो है ज़्यादा मेटेलिक कलर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेटेलिक कलर जो है बहुत ही इस रोलर पे फिसलेगा, जो कि इसका जो डिज़ाइन है वो सही से नहीं निकल पाएगा। तो आपको जो है मीडियम रेंज का कलर यूज़ करना होगा, जो कि उस पर ज़्यादा फिसलाव नहीं होता। तो उससे जो है आपका डिज़ाइन इस रोलर पे काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट आने का, दोस्तों कितना लंबा भी दीवार हो इस रोलर पे जॉइंट आपको नहीं आएगा। अगर बीच में आपका रोलर रुक भी जाता है तो आप उसे उसी जगह से मिला के दोस्तों ऊपर की ओर ले जाना होगा, ताकि उसका जो रोलर का फ्लावर है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। उससे जो है आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो निकल के आ रहा है। बहुत ही सिंपल है और आप इसे इजीली बना सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये जो डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो पैटर्न है आपको कैसा लगा। और